एक तरफ जहां झारखंड में वैक्सीन की कमी होती रहती है, वहीं दूसरी ओर जेएमएम के कोषा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की थी, उसका उपयोग कर लोगों तक अलग अलग जगह वैक्सीनेशन की सुविधा हर रोज पहुंचा रहे हैं। साथ ही अपने साथीगण के साथ बैठक कर इसको और किस तरीके से बढ़ाया जा सके ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो सके। लोगों के माध्यम से ये बात सबों को तक पहुंचे कि हम लोग वैक्सीनेशन को कितना मजबूत स्थिति पे ला रहे हैं और वैक्सीनेशन कर सकें सबको साथ मिलके। कोरोना का जिस तरह से लहर चल रहा है, दो लहर आ गया है, चला गया है, डेढ़ साल से भी ज़्यादा हम लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और सारा धंधा व्यापार और बहुत सारे लोग बंद है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने अपनी कोरोना से जानें गंवाई हैं। तो इसके लिए ऐसा सबसे सशक्त माध्यम था इसको रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद में फिर वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा, हमारा देश अनलॉक नहीं होगा, हमारा राज्य अनलॉक नहीं होगा, हमारा शहर अनलॉक नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी। इसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैं झारखंड सरकार के, अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि वैक्सीनेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा था हम लोगों को कि वैक्सीन पब्लिक तक कैसे पहुँचे, आम जनता तक वैक्सीन कैसे पहुँचे, तो इसको पहुँचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन वैन का एक सपोर्ट दिया था। उसी वैक्सीन वैन के सपोर्ट से आज हमको बताने में गर्व हो रहा है कि लगभग 10 से 15 हजार लोगों के बीच वैक्सीन का वितरण सिर्फ मेरे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा किया गया है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो मदद में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, हमारी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती महुआ मांझी का सहयोग मिला, हमारे पूरे जिला टीम का हम लोगों को सहयोग मिला, जो हमारे मुश्ताक आलम जी हैं, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया, करते 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 ये शुरू में हम लोगों ने 200 से शुरू किया था और अभी ये हम लोग 15,000 के टारगेट पे, 10 से 15,000 के टारगेट पे हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार के तरह से हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे ताकि हम आगे जाकर और इसको काम कर सके। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।